स्टार्ट। बच्चों ये क्वेश्चन है आपके पास, इसका आंसर निकालना है विद इन सेकेंड्स, और आपको बिना पेन और कॉपी को हाथ लगाए लगाना है। और आप लोगों को मालूम है इसका आंसर जो आएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए आएगा। उसके बाद जब लिमिट रखेंगे, जीरो वाली लिमिट तो जीरो हो जाएगी, तो ए अपॉन ए कट जाएगा तो वन आएगा, और ए की जगह क्या रहेगा, वन की जगह क्या रिप्लेस करते हैं, साइन पाई बाई टू। तो आपने फटाफट इसको दिमाग के अंदर करना है। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमेशा आपने याद रखना है क्या होता है बच्चों, पाई बाई टू होता है। क्या होता है, पाई बाई टू। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अब लिमिट है बच्चों जीरो से इन्फिनिटी, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, आपने अपने मन के अंदर ही इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर निकालना है। बच्चों इसका जो आंसर आने वाला है वो पाई बाई टू ए आने वाला है। अब वो कैसे आने वाला है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। बच्चों ये आप लोगों को मालूम है कि ये क्या होता है, वन अपॉन ए इंटू टेन इनवर्स एक्स बाई ए। जब जीरो रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, इन्फिनिटी अपॉन ए क्या होता है आपका मालूम है आपको, पाई बाई टू होता है। तो पाई बाई टू इंटू ए, तो ये आंसर क्या रहेगा, पाई बाई टू ए। तो बिना पेन पेंसिल लिए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे क्या आएगा, जीरो से ए और आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सिर्फ आपने अपनी अप्रोच चेंज करनी है। ये आपको मालूम है बच्चों ये क्वाड्रेंट है जीरो से ए, और पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई ए स्क्वायर। और ये आपका क्या है, एक सेमी सर्कल की इक्वेशन है, तो पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई ए स्क्वायर। तो इसका एरिया जो आने वाला है वो क्या आएगा, पाई ए स्क्वायर बाई फोर, क्योंकि ये क्वाड्रेंट था इसलिए इसका एरिया क्या आएगा, पाई ए स्क्वायर बाई फोर।